भरवारी कस्बे के वार्ड नंबर 23 में रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज पूरे इलाके में सुनाई दी। विस्फोट से निवासियों में दहशत फैल गई और कई लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने जो देखा वो भयावह दृश्य था। इस धमाके में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी जलन और अन्य चोटों का इलाज किया जा रहा है। खलीलाबाद क्षेत्र के भौरी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे भीषण आग लग गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पटाखों के टुकड़े कई किलोमीटर तक उड़ गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। शिव नारायण पटेल और फैक्ट्री मालिक शाहिद अली पुत्र शराफत अली के बाद अब एक तीसरे मृतक की पहचान हो गई है, और उसकी पहचान शिवकांत नाम से हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले जयचंद के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। पटाखा फैक्ट्री खलीलाबाद के रहने वाले शराफत अली की बताई जा रही है। शराफत अली न्यू रंगोली फायरवर्क्स के नाम से पटाखा फैक्ट्री चलाते हैं। कौशाम्बी में कस्बा भरवारी में मोहल्ला है असदपुरल्ला रोही, इसमें मोहम्मद शाहिद पुत्र शराफत अली के पटाखे के फैक्ट्री में विस्फोट की सूचना 11:50 पे आज दोपहर में प्राप्त हुई। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने तत्काल इसको हम लोग को बताया। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पे आई, प्रशासन के लोग मौके पे आए, हमारे CFO की टीम पूरी मौके पे आई, हमारे 5 फायर टेंडर्स मौके पे आए हैं। ये पता चला कि यहाँ पे लोग घायल हुए थे, उसमें 10 एम्बुलेंस तत्काल मौके पे आए, हमारे डॉक्टर्स की टीम और फॉरेंसिक टीम ये मौके पे आई। अभी वर्तमान में हमारे फायर टेंडर्स में जो CFO हमारे हैं CRK पांडे साहब, वो मौके पे खड़े हैं, और वो केमिकल फायर है क्योंकि यहाँ पे विस्फोट हुआ है, केमिकल काफी इस्तेमाल था, इसलिए उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं केमिकल तरीके से। उसके साथ साथ जो विस्फोट के कारण आग लगा है उसको पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जहाँ तक भर गया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कृपया उस स्थान पर बच जाए। वहां पे हमारे विजय श्रीवास्तव जो SP कौशाम्बी है मौके पे है, वो अपने निर्देशन में पूरा चीज देख रहे हैं। श्री प्रेम गौतम जो IG प्रयागराज है वही मौके पे है। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हैं, उनका उपचार जो है अलग अलग अस्पताल में हो रहा है। कुछ लोगों का जो घायल का प्रतिशत वो जलने का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उनको बड़े अस्पताल में भेजा गया है, और सभी लोग जुटे हुए हैं ताकि जितने लोग घायल हैं उनको हम लोग बचा सकें। सर, मरने वाले कितने लोग थे, कौन पहचान हो पाई सर? अभी तक से 4 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है, 4 लोगों में से अभी पहचान की जा रही है। अभी सर्वप्रथम हमारा ये है कि इसे चेक कर ले, यहाँ कोई और तो नहीं है दबा हुआ, उस पर लगातार काम चल रहा है। पटाखा फैक्ट्री के ओनर और उसके बेटे की भी मौत की सूचना? सूचना ऐसी प्राप्त हुई है कि शायद ओनर का भी ध्यान हो गया है, लेकिन अभी इसको कंफर्म करने की पोजिशन में नहीं है। हम लोग को शिनाख्त करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पहले हम लोग आग बुझाने का काम जो है वो कर लें, इसके बाद से सभी जो लोग जरूरतमंद है उनको उपचार बचाने की कोशिश करें। सभी शिनाख्त करके आप शाम तक जो है डिटेल बाइट जो है SP कौशाम्बी आपको दे देंगे। थैंक यू सर।